हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और मैं हूं बरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिश लाया हूं जिसका नाम है चौप मसाला। आज मैं आपको बताऊंगा चौप मसाला कैसे बनाएं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों, अब मैं आपको चौप मसाले की सेटिंग दिखाता हूँ और कुछ लोग इसको कढ़ाई मसाला भी बोलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे बनाएं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने उसका पूरी सेटिंग मार रखी है। चौप मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्याज, टमाटर, रिफाइंड ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दालचीनी, काले इलायची, तेज पत्ता, लौंग, जीरा और ये हमारी मसाला दानी तैयार है। जो भी मैं मसाले डालूंगा आपको बता दूंगा कि इसमें ये डालना है। दोस्तों, मैंने आपको मसाले बता दिए। अब हम सबसे पहले प्याज चॉप करेंगे। प्याज को आप फाइन चॉप ना करें, थोड़ा मोटा काटना है हमें इस तरीके से। आप प्याज ज्यादा फाइन चॉप ना करें, इसी तरीके से आपने सारा प्याज चॉप कर लेना है। दोस्तों, हमारी प्याज चॉप होने ही वाली है। अब फटाफट मैं प्याज चॉप करके आपको तड़का मार के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हमने प्याज चॉप कर लिया है। अब मैं आपको डायरेक्ट तड़का मार के दिखाता हूँ। टेबल से ही मैं प्याज पतीले में डालूंगा। अब मैं आपको तड़का मार के दिखाता हूँ। सबसे पहले गैस चालू कर लेंगे और गैस चालू करने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। दालचीनी, जीरा, लौंग, तेज पत्ते, काली इलायची, ये सब डाल के अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से भूनने के बाद ये देखिए बड़े मसाले। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। इस तरीके से आपने सारा प्याज डाल देना। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा प्याज डाल दिया। अब आपने इसको धीरे धीरे भूनना है, ऐसे मोड़ने, ऐसे धीरे धीरे आराम से पकाना है जब तक तेल ऊपर ना आए। दोस्तों, ये चौप मसाला है, मेहनत भी चाहिए। इसको बहुत ही अच्छे से भूनना पड़ता है, यहाँ खड़ा रहना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, नहीं तो जल जाएगा या फिर काला हो जाएगा। आपने बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे भूनना है और प्याज एकदम ब्राउन बनना है। ऐसा नहीं कि चला दिया भूल गए, अच्छे से आपने इसको ब्राउन करना है। और जब आपका ये पलटा गर्म हो जाए तो आप यहाँ इसको डस्टर लगा लें, डस्टर से पकड़ें और आपने इसको हिलाते रहना है। इस तरीके से आप इसको हिलाते रहें। दोस्तों, मैं इसको भी साथ साथ में चलाता रहूँगा और साथ में टमाटर काटूंगा। ये देखिए, टमाटर धो के रखा है हमने, रेडी है। अब हम साथ में टमाटर भी चॉप कर लेंगे। साइड निकाल देना, ये देखिए। और टमाटर भी आपने थोड़े से मोटे काटें, ज़्यादा चॉप ना करें, फाइन इस तरीके से। ये मशीन की तरह काटने पड़ते हैं, नहीं तो इतने टमाटर काटने में घंटों लग जाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से हम सारे टमाटर काट लेंगे, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्याज भून चुकी है। आपने इस तरीके से प्याज भून लेना है, तेल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। मैं भी अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और भून लें। जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। दोस्तों, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया हुआ है और हमने उसको भून लिया है। अब हमारा टमाटर भी कट चुका हुआ है। अब मैं टमाटर डाल दूंगा उसमें और आपको फिर पका के दिखाता हूँ। इसी तरीके से मैं सारे टमाटर डाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, टमाटर मैंने डाल दिए हैं। आप इसको
अच्छे से मिक्स कर लें, पहले टमाटर डाल के और अच्छे से धीरे धीमी आंच में पकाएं। जैसे आपने प्याज डाल के प्याज पकाया था उसी तरीके से आप टमाटर डाल के भी पकाने। दोस्तों जब टमाटर हमारा पक जाएगा उसके बाद हम मसाले डालेंगे। अब आराम आराम से टमाटर डाल के आपने पकाना है। अब मैं आपको पका के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों टमाटर गल चुके हैं, ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। आपने मसाले में देगी मिर्च, हल्दी और नमक। नमक आप ज़्यादा ना डालें क्योंकि जब खाना बनता है तब नमक हमने डालना होता है। ये तीन चीज़ें डाली हैं और थोड़ी देर इसको हम पका लेंगे। रोगन बन जाएगा उसके बाद हमने गैस बंद कर देना है। ये देखिए दोस्तों ये पक चुका है, रोगन ऊपर आ गया है। अब हमारा चॉप मसाला रेडी है। इस तरीके से आप पका लें। अब हम गैस बंद कर देंगे। दोस्तों ग्रेवी हो चुकी है, अब हम इसमें परात में निकाल लेंगे ठंडी करने के लिए। आप इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी मैंने परात में निकाल लिया। ये बहुत ही बेहतरीन कलर आया इसमें। ये देखिए रोगन छोड़ चुकी है। ये आप इसी तरीके से बना के और परात में रख लें। दोस्तों आज मैं आपके लिए चॉप मसाला लेके आया जिसको कढ़ाई ग्रेवी भी बोलते हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा। बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए।